भैंस भी तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फिर लोग बात कहते हैं भैंस क्यों कह रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, याद है ना आपको। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मैं मदर चौधरी और आप देख रहे हैं DNC ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, आइए तो सब बढ़िया होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बहुत बढ़िया, आप लोगों की दुआ की वजह से। तो गाइस, मैं आपको आज का सीन बताऊँ, आज क्या सीन गया कि कल पापा गए थे गाँव और वहाँ से लाए हैं गन्ने, क्योंकि अब हम गाँव नहीं जा पाते। पहले तो गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी पड़ती थी तो हम गाँव चले जाते थे और फिर वहाँ गन्ने टेस्ट किया करते थे, और खेतों में, मतलब खेतों में चले जाके हम गन्ने टेस्ट किया करते थे। अब तो खैर ऐसा सीन ही नहीं हो पाता, क्योंकि गाँव जाना ही नहीं हो पाता, सर्दियों में गन्ने ज़्यादातर आते हैं। तो बस अब गन्ने का लाते हैं, ऊपर से ऊपर रखे हुए गन्ना टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा लगेगा। सो गाइज, ये रहा अपना गन्ना, अब गन्ने को एंजॉय करते हैं। सो गाइज, ये करते हुए हम अपने गन्ने को टेस्ट, और गन्ने का टेस्ट बहुत ही मीठा था, 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका आज के में, और आज है जुम्मा और मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ। सो गाइज, अब यार मैं कल से अब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई अपने पास कंटेंट नहीं है। तो क्या कंटेंट यार, वो जो सीन था वो कर दिखा दिया, अब आज शूट कर रहे हैं, आज जो कुछ भी होगा वो दिखा देंगे। और फिर और हाँ, कल मैं, आप लोग यार ये बोलते हो कि हाँ मैं शूट क्यों करता हूँ, तो यार कल आपने, कल वाली क्लिप आपने देख ली होगी, जब मैंने बाहर शूट किया तो कितनी नॉइज़ आ रही थी, मतलब हॉर्न की आवाज़ आ रही थी गाड़ियों के, और मेन रोड पर रहने का ना, ये देखो जैसे ये अभी चीज़ हुई है ना, मेन रोड पर रहने का ये दिक्कत है कि बहुत नॉइज़ हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ शूट करता हूँ, नीचे वाले रूम में शूट करता हूँ। और भाई एक और बात ये कह रहा हूँ कि भाई एक ही कुर्ता पजामा है क्या भाई, मैं कुर्ता पजामा बहुत कम पहनता हूँ, मतलब बहुत ही रेयर पहनता हूँ, जो फ्राइडे वाले दिन पहनता हूँ, तो इसलिए बस मैं एक ही सिलवा के रखता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, अब रमज़ान आ रहे हैं दोबारा, तब एक और ले लेंगे, दो हो जाएंगे। तो फिलहाल यही जो भी सीन होगा, अभी खाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं, या फिर जो भी होगा वो दिखेंगे। रोबी के लिए बाय बाय। सो गाइस, ये आ गया अपना पराठा, चटनी और अचार, और अम्मी ने मेरा ऊपर से पराठा जला दिया। हेलो गाइस, कल के बाद शूट कर रहे हैं हम आज, क्योंकि कंटेंट नहीं है, कंटेंट की भारी मात्रा में बहुत ज्यादा कमी है, और कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा, तो क्या करें, इस वजह से कंटेंट नहीं मिल रहा और शूट नहीं कर पा रहे। तो अभी फिलहाल मुझे एक काम है, वहां जा रहे हैं, मैंने चलो आपको भी ले चलते हैं, थोड़ी बहुत आपकी भी इंजॉयमेंट हो जाएगी, हमारी भी इंजॉयमेंट हो जाएगी। हम जा रहे हैं अपने लालू भाई के साथ, यार जा रहे हैं हम चांदनी चौक, क्योंकि ट्राईपोड लेना मुझे रील्स वगैरह के लिए। यार इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया कर लो जाके, और वहाँ मैं रील्स रेगुलर डालता रहता हूँ। तो सीन क्या है यार, रील्स वगैरह नीचे मिरर वाले उसमें बनाता रहता हूँ, तो अब मैंने सोचा बाहर बनाएंगे, मतलब छत के ऊपर, मतलब छत पे जाके रील्स बनाया करेंगे, जो थोड़ा क्लाउड व्लाउड वाला सीन होता है वो अच्छा होता है, मैंने सुना है उससे वायरल हो जाती है, तो मैंने ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब ट्राईपोड लेते जा रहे हैं वहाँ पर चांदनी चौक, और मुझे ना यार आपसे एक बात करनी थी, वो मैं फिलहाल आगे करता हूँ, अभी निकलते हैं, लालू भाई का फोन आ रहा है, जल्दी से चलते हैं उनके साथ चांदनी चौक। तो गाइस, हम निकल चुके हैं चांदनी चौक की ओर अपना ट्राईपोड लेने। ये हमारे लालू भाई मुंह धो के आ गए, ना के भी नहीं आए, फिर भी अच्छा हूं मैं, गोरों देव से देख ले, गोरे से मैटर नहीं है भाई, ये कलर का भेदभाव कर रहा है, इसे बताओ, डिस्क्रिमिनेशन है, अंकर है, नहीं भाई कलर का भेद, कलर का भेदभाव कर रहा है, हमारी मर्जी, ये भाई इंडिया में नहीं रहता भाई, ये भाई केस कर सकता हूँ मैं तेरे ऊपर, ऐसे हम गोरे, तू भेदभाव कर रहा है, ट्रोल करो इसे सारे, देख रहे हो तुम हमारे लालू भाई, गोरा मोटा भी तो है, भैंस भी तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फिर लोग बात कहते हैं भैंस क्यों कह रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, याद है ना आपको, नहीं भाई बीप बीप कुछ नहीं होगी, तुमने कैसे कह दिया भाई, बीप करने के लिए कह रहा है, इसे कह दो बीप बीप कुछ नहीं होगी, नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं भाई। लालू भाई क्या प्लान है फिर, क्या प्लान है भाई, जो सामान लेने वो जाएंगे पहले, फिर जाएंगे हम कश्मीरी गेट, शायद नहीं कश्मीरी गेट जाएंगे, कैंसिल हो गया, कश्मीरी गेट जाएंगे नहीं, सब में जाएंगे और खाएंगे, तुम्हारे दोस्त ने कहा था मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ऐसा है मैं मुंह तोड़ दूंगा, अच्छा जी, अच्छा ये दही बल्ले कहा, अच्छा ये तो बताओ वहाँ कब चलना है, कहाँ पे, सरोजनी नगर, फ्री है, चलो भाई चलते हैं वहाँ का, सरोजनी नगर का भी सीन दिखाएंगे आपको, पहले चांदनी चौक से हमने ट्राईपोड लिया रील व्हील्स के लिए, और जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार फॉलो कर लो यार, लालू भाई क्यों फॉलो कर ले, कर लो भाई फॉलो, मैं भी कर लेना, मेडिकान 27 है, नहीं इसको मत करना ली चढ़ा दी, कुछ नहीं दिखाता इंटरव्यू रही है, क्या है वो कुछ भी नहीं पता, अच्छी वर्कलब है, 30,000 रुपए लगा गए हैं भाई, और मुझे भी कह रहे तुम भी लगा लो, मैंने नहीं भाई फंसना नहीं है, 30,000 नहीं लगाने, चलो भाई वहां आप गाड़ी चला ले उसके बाद बात करते हैं आपसे। सो गाइस, हम आ चुके हैं चांदनी चौक, हम जाएंगे दुकान पे अपना ट्राईपोड लेने, और देख के रोड क्रॉस करते हैं।
सो गाइस ये हमारा ट्राइपॉड रहा पैक, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं घर जाके। सो गाइस ये लाल किले का सीन है, आप भी इसे देख लीजिए। सो गाइस इको को देख के ना मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई थी कि हम भी ऐसे ही जाया करते थे। तो गाइस वहां से आ चुके हैं, खाना वाना खाएंगे, टाइम हो गया था कुछ ज्यादा ही, अब खाना वाना खाएंगे उसके बाद करते हैं अपने नए ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग। तो चलना अभी फिलहाल खाना खाने चलते हैं। तो गाइस आज का लंच है छोले पूरी अचार और प्याज, आज का सिस्टम इन्होंने कर रखा है कुछ ज्यादा हैवी। सो हे गाइस तुम्हारा भाई नीचे वाला रूम में आ चुका है अपने ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करने। और गाइस यहाँ पर भी थोड़ा गुरन वगैरह की आवाज़ आएगी तो प्लीज एडजस्ट कर लेना ना, ठीक है ना। तो गाइस पहले अपने साथ इसका साथ आता है डिब्बा, बहुत बड़ा सा, ठीक है। और इसके फीचर्स है जो भी इसमें है, ये मतलब 5.5 फीट का है, इसे आप कह सकते हैं 5 kg तक वेट कर सक अपने ऊपर ले सकता है। बाकी ये फालतू की चीज़ें जो अपने वैसे मतलब नहीं है। और यहाँ इन्होंने दे रखा है कैसे कैसे एडजस्ट हो सकता है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कैमरा अपने पास है नहीं तो हम कैमरे की बात करते नहीं, अभी हम रिच पीपल नहीं है ना, यू नो वेरी वेल। तो बस ठीक है। और बाकी ये QR कोड्स, और हम लाए हैं, मैं भूल गया, हम लाए हैं डिजीटेक अच्छी कंपनी है, फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हो, 1600 समथिंग का है ये फ्लिपकार्ट पे। मैं लाया मुझे 1250 रुपये में, मेरा चांदनी चौक का काम होता रहता है, मुझे मैं अभी काम से गया था तो मैं ले आया, मैंने चलो अपने मेनली हो जाएगा। तो भाई सीन क्या है इसका, मेरे को ना अब मैं थोड़ा कुछ हटके रील्स बनाने वाला हूँ ना, समझ रहे हो ना, हटके बनाने वाला हूँ, मतलब सैड वाली से हटने वाले हैं, अब कुछ अच्छी चीज़ें करने वाले हैं हम, हमारा दुख वाला फेस खत्म हो गया है, अब हम कुछ यूनिक करेंगे जिससे आपको पसंद आएगा। रील्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तीसरी बार कह रहा हूँ मैं, कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो, ठीक है। और अभी इसका मॉडल नंबर है DTR550LT, अगर आपको लेना हो तो आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से। ये सब फेंक देते हैं, फेंक दिए से। और इसके साथ हमें मिला है कवर, जो हम मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है कवर की, हम कहीं भी जा रहे हैं बाहर शूट वगैरह जा रहे हैं तो ये लेके चल दिए हम, ये बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे, इसे हम नहीं फेंकते, ये हमारे काम आने वाला। ओके गाइस, ओके, सो स्वागत करते हैं अपने न्यू खिलौने का, आ गया अपना नया खिलौना। खिलौना क्या अपने काम की चीज़ है ये। और बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है मुझे सबसे बेस्ट लगी, मतलब वहाँ मुझे जो भी देखे, मैंने जैगवार के भी देखे, ये भी देखा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी से आप ये मेरे ख्याल से फाइबर में है, हाँ फाइबर में, मेटल कह रहे थे फाइबर में है। और एक इन्होंने अच्छी चीज़ रखी, ये एक इन्होंने चीज़ रखी अच्छी, स्टैंड दे रखा है कि आप इसे स्टैंड से भी कैसे भी ले सकते हो, ज़्यादा वजन नहीं है, बहुत हल्का है ये, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जो आपको बाकी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे खुलते हैं, यू नो अगर आप रील्स वगैरह बनाते होंगे तो आपको पता होगा, ये बहुत ईजिली हो जाएंगे, ये अच्छी क्वालिटी है। और जो आपको मैं दिखा रहा था कि टंग सकता है, जो इसके पास होते हैं, एक ये है कि इससे टंग सकता है, इसे कहीं भी टांग दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ऊपर जैसे बैकग्राउंड शूट लेना बढ़िया आएगा, ठीक है। और फिर हमारा आता है जैसे कि ये अपना, इसके साथ ना माउंट नहीं मिलेगा आपको, ये अलग से लेना पड़ेगा 50 रुपये का, ये है इसमें माउंट, तो कहीं से भी नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट से भी नहीं मिलेगा, वहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो माउंट को आपको लेना पड़ेगा। और जो इसमें ये रखा ना, ये चीज़ है कुछ भाई, ये मतलब मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा है, ये ऐसे करके अपना आप ऊपर हो जाएगा, देख रहे हो ना, मेहनत है इसमें यार, अपने को मेहनत नहीं करनी, अपन काम चोर लोग हैं, फिर ये ऐसे करके नीचे आ जाएगा, कहते ठीक है यार इतना कहाँ कौन देख रहा है। और फिर अपना ये जैसे हमने ये कर दी ढीली, तो इसे ऊपर नीचे आप कहीं से भी सेट कर सकते हैं, फिर टाइट कर देना, ये वहाँ से सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये आ गई, ये कैमरे के लिए होगी जहाँ तक मुझे लगता है,
बाकी मेरे को नहीं पता ये चीज़ क्या। वैसे ठीक है जैसा भी है, अभी सीख जाएंगे, जब देखा है तो सीख जाएंगे, डिब्बे को फेंकेंगे नहीं, डिब्बे से काम आने का बहुत काम आएगा डिब्बा अपने। और फिर एक ये है फ्री लुक, जैसे हम इधर उधर करना चाहें, ये फ्री लुक है, फ्री लुक सॉरी लूज लॉक सॉरी माय मिस्टेक। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बाकी इससे रील्स वगैरह शूट करेंगे, देखते हैं बाकी कैसा लगेगा। और आप मुझे बताइएगा मेरा आपको ट्राइपॉड कैसा लगा डिजिट टेक का। ओके तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखना, और ओए चौधरी ओए को फॉलो कर लो, नीचे आ रहा होगा ओए चौधरी ओए, फॉलो कर लो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।